रहमान रहीम। चार पांच दिन किसी मजबूरी के तहत मैं सबक नहीं पढ़ा सकया। बहार शरीयत का सबक वज़ू का बयान था, वो मसाइल ख़त्म हुए थे। आज चंद मसाइल पढ़ लेते हैं, कल से इंशाअल्लाह बकायदगी के साथ एक एक सबक शुरू होगा। बीच में कुछ मजबूरियां आ जाती हैं जिसकी वजह से सबक कुछ दिन नहीं पढ़ा सके और गैर हाजिरियाँ हो जाती हैं। तो आज का सबक बहार शरीयत का वज़ू की सुनते हैं। फ़राइज़ के मसाइल हमने मुकम्मल पढ़ लिए थे, आज चंद मसाइल वज़ू की सुनतों के बारे में पढ़ते हैं ताकि ज़हन नशीन होता रहे, कुछ ना कुछ सबक कल से इंशाअल्लाह बकायदा सबक लंबा शुरू होगा। सबसे पहला मसला आज के सबक का ये है कि वज़ू पर सवाब पाने के लिए हुक्म इलाही बजा लाने की नियत से वज़ू करें। समझ आ गई? अगर इसने ऐसे ही वज़ू कर दिया, हुक्म इलाही बजा लेना नियत नहीं थी, पढ़ना हालांकि नमाज के लिए उसने वज़ू करना है, नमाज ही वज़ू पड़ेगा उसी वज़ू से, लेकिन दिल में उस वक्त उसने नियत नहीं की, बस ऐसे आया जैसे वज़ू करके बस नमाज़ पढ़ने लग गया, तो इस हाल में वज़ू हो जाएगा लेकिन उतना सवाब नहीं पाएगा जितना सवाब उसको मिलना चाहिए था। सवाब में कमी आ जाती है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो इबादत हो यानी नमाज के लिए वज़ू करता है तो इसकी नियत होनी चाहिए कि रब का फ़र्ज़ अदा करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ। बात समझ आ गई? ये नियत होनी चाहिए। अगर नियत नहीं करेगा वज़ू हो जाएगा मगर सवाब नहीं पाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि सवाब पा लेना चाहिए ना यार, नियत करने से क्या होता है तो नियत दिल के इरादे का नाम, वज़ू तो वैसे ही करना है। अगर इतना ही दिल में इरादा कर ले कि मैं रब का फ़र्ज़ अदा करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ, सोने पर सुहागा हो जाएगा, सवाब ज़्यादा मिलेगा। बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो नियत दिल में होनी ज़रूरी है कि हुक्म इलाही बजा लाने के लिए वज़ू कर रहा हूँ, वरना अगर ये नियत ना की तो वज़ू हो जाएगा सवाब कम होगा, अगर इस नियत के साथ वज़ू करेगा तो सवाब ज़्यादा पाएगा। आज के सबक का मसला नंबर दो ये है कि वज़ू बिस्मिल्लाह से शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े फिर वज़ू करें, शुरू करें। अगर वज़ू से पहले इस्तंजा करना चाहता है तो इस्तंजे से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़े। बात समझ आ गई कि नहीं है? इस्तंजे से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़े, मगर हाँ पखाना वाली जगह पे, लेटरीन में या गुसल खाने में या सतरे औरत इसने खोल ली है उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी मना है, क्योंकि रब का जिक्र उस वक्त मना। हाँ ये लेटरीन से बाहर है, थोड़ा सा दूर है, दूर बिस्मिल्लाह पढ़ कर जाए। बात समझ आ गई कि नहीं आई? दूर से ही बिस्मिल्लाह पढ़ कर जाए, ऐसा ना हो कि लेटरीन का दरवाज़ा खोले तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े, वहाँ पढ़ना मना है। उलमा का ये मसला लिखना कि इस्तंजा से पहले बिस्मिल्लाह के पढ़े, इसका मतलब ये है कि पखाने से बाहर हो, पखाने वाली जगह से दूर हो, लेटरीन से दूर होकर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर कदम उठाकर चंद कदम आगे लेटरीन दी चला गया, ये ऐसे समझो इस्तंजा करने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ कर गया है। बात समझ आ गई कि नहीं है? बिस्मिल्लाह इस तरीके से पढ़नी, और सत्तर खोलने के बाद भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ये भी मना है, ज़बान से जिक्र नहीं कर सकता। बात समझ आ गई कि नहीं है? पखाने वाली जगह पे जाने से पहले, सतरे औरत खोलने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। और मसला नंबर तीन आज के सबक यह है कि वुजू इस तरह शुरू करे कि पहले दोनों हाथों को गिट्टों तक तीन तीन बार धोए, दोनों हाथों को गिट्टों तक तीन तीन बार धोए। मतलब क्या है? पहले एक हाथ को धो ले, सज्जे हाथ जो कहा जाता है, फिर खब्बे हाथ को धोए,
तीन तीन बार, बात समझ आ गई। फिर आपस में दोनों हाथ मिलाकर धो ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन असल तरीका सुन्नत तरीका ये है, पहले सजी हाथ को धो ले सही तरीके से, फिर कभी हाथ को धो ले, बात समझ आ गई कि नहीं। हाँ, मैं वो उर्दू वाले लफ्ज़ दायां बायां इस्तेमाल नहीं कर रहा कि कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनको ठोस उर्दू समझ नहीं आती, खबा सजा हाथ तो समझ आ जाता है। और मसला नंबर चार आज के सबक का ये है कि अगर पानी बड़े बर्तन में है, कोई छोटा बर्तन भी वहाँ मौजूद नहीं है कि उसमें पानी अंडेल कर फिर हाथ धोए, कभी कभार कुछ इलाके ऐसे हैं जिस तरह के कुछ सिंध के इलाके हैं जहाँ पानी लोग दूर दराज से भर कर लाते हैं, घड़े के अंदर पानी होता है, केन के अंदर होता है, या कोई और बड़े बर्तन में पानी होता है, और कोई छोटा बर्तन नहीं है कि जो छोटे बर्तन में अंडेल कर हाथ धोए, बड़ा बर्तन ही पड़ा है, बात समझ आ गई कि नहीं आई। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, अब ये है कि उससे चाहिए कि बाएं हाथ की उंगलियां मिलाकर सिर्फ वो उंगलियां पानी में डाले, कोई बर्तन और नहीं है पानी निकालने के लिए, बाएं हाथ की उंगलियां मिलाएगा तो ऐसे बिल्कुल बीच में कोई भी फर्क ना रहे, समझ आ गई, हिलनिया नहीं चाहिए, बस ऐसे मिलाकर इस तरह के पानी निकाले, उंगलियों से ज़्यादा हाथ नहीं डूबना चाहिए पानी के अंदर, क्योंकि खुश्क हाथ का अगर एक जनाब जी नाखन भी चला जाए ना पानी के अंदर तो पानी मुस्तमल हो जाता है। तो ये खुश्क हाथ की वो उंगलियों का वो हिस्सा उंगलियां ही पानी में डालें, हथेली का कोई हिस्सा भी पानी में नहीं लगना चाहिए, पानी निकाल कर जो दूसरा हाथ है वो गिट्टे तक धोए तीन बार, बात समझ आ गई कि नहीं आई। फिर दाने हाथ को जहाँ तक धोया था ना, जहाँ तक धोया था वहाँ तक वो बिला तकल्लुफ पानी में वो हाथ डाल सकता है, वो हाथ पानी में डालकर उसी हाथ से पानी निकाल कर फिर दूसरे हाथ पर डालेगा, बात समझ आ गई कि नहीं आई। हाँ, पहले दाने हाथ को धोए और फिर बायां हाथ को धोए, बात समझ आ गई कि नहीं आई। आगे का मसला ये है कि ये इस सूरत में है कि हाथ में कोई निजासत ना लगी हो, हाँ ये कहे कि हाथ में निजासत तो लगी है, अब शरीयत का ये मसला भी बयान करे कि इजाज़त देती है कि जनाब जी उंगलियाँ ये मिलाकर पानी में खुश्क डाल सकते हैं, वहाँ कोई और बर्तन नहीं है तो बर्तन पाक पानी ना पाक नहीं होगा, पानी मुस्तमल नहीं होगा, ये उस वक्त है कि जब उंगलियों के ऊपर निजासत ना लगी हो, अगर उंगलियों के ऊपर निजासत लगी है तो फिर ना पानी ना पाक हो जाएगा, बात समझ आ गई कि नहीं आई। आगे मसला यह है कि अगर छोटे बर्तन में पानी है, छोटे बर्तन में पानी है, या पानी तो बड़े बर्तन में है, पानी तो बड़े बर्तन में है मगर वहां कोई छोटा बर्तन नहीं है, वहां कोई छोटा बर्तन नहीं है, या फिर ऐसा है कि अगर छोटे बर्तन में पानी है या पानी तो बड़े बर्तन में है मगर वहाँ छोटा बर्तन मौजूद है, छोटा बर्तन मौजूद है, छोटे बर्तन के मौजूद होने के बावजूद भी इसने खुश्क हाथ पानी में डाल दिया, अगरचे एक उंगली का एक पौरा भी पानी में चला गया या उंगली का एक नाखन भी पानी में चला गया खुश्क नाखन, फिर भी पानी मुस्तमल हो जाएगा। ख़ासकर इस मसाइल पर हमारे ये जो देहात के रहने वाले लोग हैं उन लोगों को ख़ास कर ख्याल रखना चाहिए जो अगर गुसल करते हैं तो ज़हरी बात है पहले पानी में टप पानी का भर कर गुसल खाने में रखते हैं और फिर जाते हैं गुसल करने के लिए, समझ आ गई, या नहाने के लिए जाते हैं तो पहले पानी का टप गुसल खाने में रखते हैं फिर जाते हैं नहाने के लिए। उन लोगों को ख़ास कर ख्याल रखना चाहिए कि ज़हरी बात है जब पहली मरतबा वो पानी के अंदर वो बर्तन छोटा मारते हैं तो इनके हाथों जो खुश्क हाथ होते हैं वो भी पानी में लग जाते हैं, पानी मुस्तमल हो जाता है, बात समझ आ गई, उस वक्त ख़ास कर ख्याल रखना चाहिए, खुश्क हाथ पानी में नहीं जाना चाहिए, खुश्क हाथ पानी में गया तो सारे का सारा पानी मुस्तमल हो गया है,
बात समझ आ गई। बस आज का सबक यहाँ तक काफ़ी है, कल आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।